नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जमीन का फर्जी खाताधार बनकर जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सदर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। मामले में इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने बेंगलुरु के एक व्यक्ति के नाम फर्जी खाताधारक के जरिए जमीन की रजिस्ट्री कराकर 1.5 करोड़ रुपये हड़प लिए। पुलिस आरोपियों से 19,60,000 रुपये बरामद कर चुकी। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि बेंगलोर निवासी राधेश्याम पारिक द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बताया गया कि हापावास भदेसर निवासी रतन सिंह रावत ने अपने आप को प्रॉपर्टी व्यवसायी बताते हुए पूजा गुजर के नाम की जमीन 1,49,00,000 रुपये में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई। उसके साथ पूजा गुजर बनकर एक महिला मान सिंह जाट, भालूड़ी भदेसर निवासी भंवर सिंह रेबारी आदि भी थे। थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने मामले की जांच पड़ताल के बाद सरगना हापावास भदेसर निवासी रतन सिंह सेठी चित्तौड़गढ़ के 28 वर्षीय मदनलाल पुत्र नंदराम गुजर को, 24 वर्षीय पूजा पत्नी मदनलाल गुजर तथा जमीन की रजिस्ट्री के बदले DLC रेट के पेटे लिए गए चेक को अन्य महिला के खाते में सिकराने वाली हमनाम महिला पीलीखेड़ा थाना छोटी सादरी जिला प्रतापगढ़ निवासी 28 वर्षीय गुड्डेबाई पत्नी प्रकाश मीणा नातायत पत्नी मुकेश उर्फ ओम प्रकाश प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया। जबकि मामले में भालूड़ी भदेसर निवासी भंवरलाल रेबारी और सिमथली थाना छोटी सादरी के देवीलाल पुत्र कचरूलाल प्रजापत को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका।